नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मंडी ऑनलाइन चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने एक और नई वीडियो को लेकर। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश भर की मंडियों में आलू की कीमतों के बारे में। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भाइयों तक वीडियो पहुँच कर उनको भी सही समय पर जानकारी मिल सके। साथ ही जो भाई नए हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन दबा दें, जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके और आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके। चलिए किसान भाइयों, शुरू कर लेते हैं। अमृतसर की बात करें 700 से 860, जालंधर 300 से 1600, चंडीगढ़ सेक्टर 26 700 से 950, श्री गंगानगर 1200 से 1300, होशियारपुर 380 से 800, उजाने की बात कर लेते हैं 800 रुपये, बठिंडा में 900 से 1100, पटियाला की बात कर लेते हैं 800 से 900, गुड़गांव में 900 से 1000, नौतनवा में 800, उदयपुर की बात करें 1200 रुपये प्रति क्विंटल कीमतें देखने को मिल रही हैं। फिरोजपुर सिटी की बात कर लेते हैं 900 रुपये, रोपड़ की बात करें 600 से 1000, जोधपुर की बात करें 700 से 900, मथुरा की बात करें 1200 से 2100, नाजीबाबाद की बात करें 750 से 800, फजिलका की बात करें 900 से 1100, रायबरेली की बात करें 800 रुपये, लुधियाना की बात करें 600 से 1120, मुरादाबाद की बात करें 840 से 1230, खैर की बात करें 800 रुपये प्रति क्विंटल, चंदौसी की बात कर लेते हैं 850 रुपये, दादरी यूपी की बात करें 1000 से 1050, खरड़ की बात करें 700 से 1000, नोएडा की बात करें 1000 से 1050, चूरू में 900 रुपये, खातिमा में 800 रुपये, पानीपत में 950 से 1000, चित्तौड़गढ़ में 1000 रुपये, फतेहगढ़ साहब में 840 से 1000, तरन तारण की बात करें 900 से 1100 रुपये प्रति क्विंटल कीमतें देखने को मिल रही हैं। रायपुर रानी की बात कर लेते हैं 10 रुपये किलो, गोला गोकरनाथ की बात करें 900 रुपये प्रति क्विंटल, फतेहपुर में 900 रुपये, अगर बात कर लेते हैं सदाबाद में 1000 से 1100, बरवाड़ा पंचकुला में 800 रुपये, साहियापुर में 1130 रुपये, संगरूर में 900 रुपये, खलीलाबाद में 800 रुपये, समसी सब मार्केट यार्ड की बात करें 1680 रुपये, प्रतापगढ़ की बात कर लेते हैं 1000 रुपये प्रति क्विंटल कीमतें जो किसान भाइयों देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, मैं कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।